बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, इस साइड मैंने प्रीवियस सिलेबस लिखा हुआ है और इस साइड जो 30% डिडक्टिव सिलेबस है वो आपको मैंने मेंशन किया है। ठीक है, आप जैसे प्रीवियस सिलेबस देखते यूनिट फर्स्ट, ऐसे ही हमारा यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में 1.1 में आप देखते थे ब्रीफ स्टडी ऑफ द फॉलोइंग, मींस की गिनती की ब्रीफ स्टडी जिसमें आपको डेफिनेशन दी हुई थी। ठीक है, कौन से थी? अलंकार, वर्ण, गान, नींद, खटका, मुक्ति, गमक। ठीक है बच्चों, अब आप ये देखिए जो डिडक्ट हुआ है आपका अलंकार, कर्ण, नील, खटका, मुर्गी और गमक। इट मीन्स आपके यहाँ पे वर्ड की जो डेफिनेशन है वो कट कर दी गई है और बाकी डेफिनेशन एज इट इज आपकी यहाँ पर है 1.1। इसके साथ अब आ जाता है 1.2, प्लीज स्टडी ऑफ द फॉलोइंग, ये भी कुछ डेफिनेशन ही है आपको। ठीक है, जिसमें सागरा, दागरा, काम, मूर्छना, अलाप और ताप है, जिसमें से आपकी सागरा और दागरा कम कर दी गई है। हमारे पास कौन सी बची? ग्राम, मूर्छना, अलाप, ताम। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यूनिट फर्स्ट हुआ। इसके बाद यूनिट सेकेंड आता है आपका, जिसमें 2.1 में आपका फर्स्ट में आता है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित की आपको स्टडी करनी है, जिसमें आपको क्या दिया हुआ था? क्लासिफिकेशन ऑफ राग, रागों का वर्गीकरण टॉपिक जो आप करते आ रहे हैं, जिसमें एशियन, मेडिवल और मॉडर्न राग क्लासिफिकेशन आपने किया हुआ है। ठीक है, प्राचीन काल वर्गीकरण, मध्यकाल वर्गीकरण और मॉडर्न काल वर्गीकरण, यहाँ पर बच्चों आपका ये टॉपिक जो है कट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर नहीं है ये आपका टॉपिक 2.1, उसकी जगह 2.2 में जो आपका टॉपिक था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ राग, रागों का समय सिद्धांत, तो यहाँ पर आपको सिर्फ रागों का समय सिद्धांत ही करना है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ राग सिर्फ आपको यहाँ पर यूनिट 2 में यही एक टॉपिक करना है। इसके बाद आ जाता है यूनिट 3.1, प्रीवियस सिलेबस में देखो डिटेल स्टडी ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें आपको संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात करना है। तो बच्चों ये आपका 3.1 जो है डिटेल ऑफ थ्योरी ऑफ द फॉलोइंग, संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात, ये आपको दोनों ग्रंथ करने हैं। ठीक है, ग्रंथ काफी सारे हैं लेकिन आपके सिलेबस में 2 ग्रंथ ही है, जिसमें संगीत रत्नाकर है रिटन बाय पंडित शारण देव जी और संगीत पारिजात रिटन बाय पंडित अहोबर, तो आपको ये दोनों ग्रंथ करने हैं। इसके बाद आप इसी में देखिए 3.2, लाइफ स्केचेस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डैश। ठीक है, आपको लाइफ स्केचेस करने थे, ऑटोबायोग्राफी करने थे, उनका पूरा योगदान लिखना था। ठीक है, तो पहले आपके पास 4 थे, कौन से? अब्दुल करीम खान, उस्ताद फयाज खान, बड़े गुलाम अली खान साहब और पंडित कृष्णराव शंकर, या शंकर शंकर कृष्णराव शंकर पंडित, किसी भी तरीके से आप उनको बोल सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका प्रीवियस, ठीक है, और अब न्यू सिलेबस में क्या है, लाइफ स्केचेस में आपका अब्दुल करीम खान जो है वो क्रॉस कर दिया गया, खत्म कर दी गई है ऑटोबायोग्राफी, इसकी जगह आपके पास 3 आ जाती है, उस्ताद फयाज खान, बड़े गुलाम अली खान साहेब और पंडित कृष्णराव शंकर, या कृष्णराव शंकर पंडित, पंडित आगे भी कई बार लिखा आता है, कई बार उनके पीछे भी नाम के लिखा आता है, तो ये 3 आपको ऑटोबायोग्राफीज करनी है और उनका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन और योगदान लिखना है। इसके बाद आपकी यूनिट 4 आती है, 4 यूनिट में आपका था डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेस्क्राइब टास्क अलोंग विद टास्क नोटेशन मिथा दुगुन तिगुन एंड चौगुन, जिसमें आपको 4 ताल करनी थी, जगताल, रूपक ताल, तिलवाड़ा और धुमार। अब बच्चों यहाँ पर आपकी 1 ताल कम कर दी गई है। ठीक है, इसमें क्या करनी है? जगताल, रूपक और धुमार, 3 तिलवाड़ा ताल जो थी आपकी वो यहाँ पर आपकी खत्म कर दी गई है, कम कर दी गई है, तो 3 ताल है जिसकी आपने, बाकी सारी नोटेशन वैसे नहीं थी, इंट्रोडक्शन करनी है आपको था एगुन दुगुन त्रिगुन चौगुन, सारी डिटेल करनी है। ठीक है, झपताल की भी, रूपक की भी और धमाल की भी, तिलवाड़ा आपकी खत्म हो चुकी है। फिर नेक्स्ट बच्चों इसी में आपकी 4.2 में था स्टडी ऑफ वेरियस पार्ट्स एंड ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा, तानपुरा में डिफरेंट
पार्ट्स पढ़ने और उसकी ट्यूनिंग। तो यहाँ पूरा तानपुरे का जो डिटेल है आपको खत्म करके सिर्फ क्या रखी गई है, ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा। आपको सिर्फ ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा करनी है, वेरियस पार्ट्स की जो डिटेल थी वो भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा, हो सके तो डायग्राम जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 5, इसमें 5.1 में क्या था, क्रिटिकल स्टडी ऑफ प्रेस्क्राइब रागस रोंग विद रिकॉग्नाइजेशन, रागस रोंग स्वर्स हो एलाबोरेटिंग है, मीन्स की जो आपको राग दिए हुए हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में उनकी नोटेशन करनी थी, उसके स्वर विस्तार करने थे, अलाप दान सब कुछ करना है आपको, इनपुट वगैरह सब, ठीक है। पहले आपके कौन जितने भी थे ये सारा करना है, ठीक। इसमें भी आपको यही करना है, 5.1 में स्टडी ऑफ प्रेस्क्राइब राग, जितने भी राग आपको स्टडी करने हैं उसमें सबकी आपको स्वर विस्तार सब कुछ वैसे ही करना है एज इट इज, ठीक है। इसके बाद 5.2 में था राइटिंग इन नोटेशन द कंपोजिशन ऑफ, कंपोजिशन लिखनी है उसकी नोटेशन की फॉर्म में, भैरव बागेश्वरी शुक्सारक और मालपुर, पहले चार्ट थे अब वही है सब कुछ वैसा का वैसे, नोटेशन भी है, ये कॉम्बिनेशन भी है, प्रेस्क्राइब राग जो भी है सब कुछ लिखना है, कंपोजिशन वगैरह, लेकिन एक राग आपका कम हो गया, जो सा राग शुद्ध साधन, यहाँ पर आपको तीन राग करने हैं, भैरव बागेश्वरी और मालपुरुष, ये तीन राग आप आपके रह गए, इन राग का पूरा तीनों का आपको क्या करना है, अलाप करनी है, काम करने, पूरा उसका जो क्लासिकल इंट्रोडक्शन है, परिचय है, शास्त्रीय परिचय वो पूरा करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ स्वर विस्तार वगैरह सब कुछ आपको करना है, लेकिन शुद्ध सारंग का नहीं करना, सिर्फ आपको भैरव बागेश्वरी और मालपुरुष का करना है। तो बच्चों ये आपका प्रीवियस सिलेबस, मैंने दोनों इसके साथ साथ लिखे हुए थे कि आप प्रीवियस को देखें और फिर न्यू सिलेबस को देखें, ये आपका 30% जो डिडक्ट हुआ है, डिडक्टिव सिलेबस है आपका, आप इसको अच्छे से वो करेंगे, सिलेबस भी कम हो चुका है आपका और आपकी अच्छी तैयारी भी। लेकिन क्या कहते हैं, एक चीज वो कहना चाहूंगी कि रागों का जो टॉपिक है वो आप अच्छे से करना, क्योंकि इसमें से काफी एमसीक्यूज वगैरह काफी क्वेश्चंस आते हैं, आप आपकी और भी आसान होंगे, 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे, 21 एमसीक्यूज दिए होंगे जिसमें से आपको 15 करने हैं, ठीक है। उसके अलावा 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, तो उसमें भी इंटरनल च्वाइसेस आपको मिलेंगी, तो पेपर काफी इजी हो चुका है, तो आप अच्छे से तैयारी करना और अच्छे से पढ़ना, और अब आपको इस सिलेबस को देख के समझ के सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसा मैं आशा करती हूँ, और आपके एग्जाम्स के लिए दोबारा एक बार फिर ऑल द बेस्ट, बच्चों अच्छी तैयारी करिए, प्लस टू जो है आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, प्लस टू क्लास पर आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे, जितने अच्छे परसेंटेज लेंगे उतने ही अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, और म्यूजिक में 100 में से 100 लेना कोई मुश्किल नहीं है, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है, इन सारे टॉपिक्स की मेरी वीडियोस अपलोड है, मोनिका पंडिता नाम से मेरा चैनल है, आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोस को देखें, आपको अच्छे से सारे टॉपिक्स समझ आएंगे, ठीक है बच्चों। और लास्ट में जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल,